तो दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तेलुगु फिल्म के बारे में जो एक्शन और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर कुछ नया लेके आई है, देवाकी नंदना वासुदेवा। हाँ, ये टाइटल सुन के ही आपको लगता होगा कि ये तो शायद एक मिथोलॉजिकल ड्रामा है, पर वेट, ये मिथोलॉजिकल नहीं है, यहाँ एक्शन है, ड्रामा है और अशोक गल्ला का स्वैग भी। चलो इस कहानी के ट्विस्ट और पावरफुल विजुअल्स में घुसते हैं और देखते हैं कि ये मूवी हमें क्या क्या दिखाती है। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। ये कहानी है एक यंग हीरो की जो अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी और एक्शन के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसके अपने रूट्स हैं और दूसरी तरफ दुनिया के चैलेंजेस। जैसे जैसे वो जर्नी में आगे बढ़ता है उसे समझ आता है कि इनर पीस और बाहर की दुनिया का बैलेंस कितना जरूरी है। पर क्या ये इतना आसान है जितना लगता है? अर्जुन जंडालिया ने कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट डाले हैं जो तुम्हें सीट से उठने नहीं देंगे। दोस्तों बात करें एक्शन की और एक्टिंग की, अशोक गल्ला ने इस मूवी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन सही बात बताऊं कभी कभी लगता है वो काफी इंटेंस हो गए हैं। मतलब कुछ सीन्स में इतना डीप हो गए हैं कि हम सोचने लगे कि भाई थोड़ा चिल मार लो। अब वाराणसी मानसा जो इस फिल्म में फीमेल लीड है उनकी केमिस्ट्री अशोक के साथ डिसेंट है, लेकिन कुछ और मजा आ सकता था। वैसे सपोर्टिंग कास्ट ने भी सॉलिड काम किया है और वो सीन्स जिसमें पूरा परिवार इकट्ठा है वहाँ इमोशंस के ओवरलोड है। डायरेक्टर अर्जुन जंडालिया के विजन्स यहाँ क्लियरली दिखती है। एक सीन से दूसरे सीन्स तक वो टेंशन बिल्ड करते हैं जैसे कि हम एक रोलर कोस्टर पर हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रसाद मोरेला ने की है और भाई कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअली स्टनिंग है। एक पर्टिकुलर फाइट सीन्स तो के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। लाइटनिंग एंगल सब कुछ इतना इंप्रेसिव है कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं, एक विजुअल ट्रीट भी है। अब बात करें म्यूजिक की तो भीम्स सेसेलोरियो का स्कोर इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। भीम्स का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो क्लाइमैक्स में ऐसे धमाकेदार बीट्स लाता है कि तुम भी पॉपकॉर्न गिराए संभाल नहीं पाओगे। म्यूजिक ने सीन्स के इंपैक्ट और भी इंटेंस बना दी, स्पेशली वो सीन्स जिसमें अशोक इंट्रोस्पेक्शन में होता है या फाइट सीन्स, वहाँ म्यूजिक अपने आप में एक कैरेक्टर बन जाता है। जो लोग एक्शन के फैंस हैं, उनके लिए भी ये मूवी पूरी तरह से लोडेड है। कहा जाए तो अर्जुन जंडालिया ने एक्शन को एक ऐसे तरीके से दिखाया है जो बस पैसा वसूल है। तुम्हें लगेगा कि एक योद्धा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और वो भी इतने स्टाइल के साथ कि भाई क्या ही बात है। एक सीन में तो अशोक ने कुछ ऐसे मूव्स किए हैं जो तुम्हें लगेगा कि साउथ इंडियन सिनेमा की एक सॉलिड एक्शन मूवी आ गई है। फिर आती है क्लाइमैक्स की बात और भाई क्लाइमैक्स में अर्जुन जंडालिया ने ऐसे कुछ स्वीट ट्विस्ट और टर्न्स डाले हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। मूवी के एंड तक जाते जाते तुम्हें लगता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है और फिर से एक अलग एंगल दिखाया जाता है। तुम अगर तुम कुछ सोच रहे हो कि इस मूवी में बस शुरुआत ही धमाकेदार थी तो तुम्हें एंड में और भी बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रोज और कॉन्स की तरफ। तो प्रोज की बात करें तो मूवी का स्टोरी आर्क और विजुअल लाजवाब है। एक स्पिरिचुअलिटी जर्नी को जो मॉडर्न टच दिया गया है वो काफी रिफ्रेशिंग है और आपको इंगेज करके रखता है। सिनेमाटोग्राफी और एक्शन भी इसके प्लस पॉइंट है। कॉन्स की बात करें तो कहानी कुछ पोर्शंस रिपीटिव लग सकता है और कुछ सीन्स में पेसिंग थोड़ा स्लो है जो शायद आपको सूट ना करे। आखिरी में इतना ही कहूंगा दोस्तों कि अगर तुम्हें एक्शन और स्पिरिचुअलिटी का एक नया कॉम्बिनेशन देखना है तो देवाकी नंदना वासुदेवा एक मस्ट वॉच है। इसमें एंटरटेनर भी है और थोड़ा ज्ञान भी, तो पॉपकॉर्न लेकर बैठो और इंजॉय करो और हमें कमेंट में बताना मत बोलना कि तुम्हें कैसी लगी ये फिल्म। तो यही था मेरी आज की रिव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।